8 AM फोन भी नहीं पकड़ा जा रहा ठीक से एंड आई एम अवेक भूख से मेरी नींद उड़ गई है ट्राइंग टू गो बैक टू स्लीप बिकॉज आई स्लेप्ट ओनली एट 2:33 तो मुश्किल से 5 घंटे हुए हैं बट नहीं आ रहे यार वापस आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ मॉर्निंग पर्सन 9:55 AM and I still have not slept again. That's good. I had Maggie for breakfast. मन हुआ तो खा लिया एक महीने बाद खाइए तो अलाउड है बट आई शो यू व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट हाफ एन आवर मेरे सुंदर से बेड पे एक लाल दाग लगा था एंड दैट्स बिकॉज आई गॉट माई पीरियड यस्टरडे तो आई वॉन्ट टेल यू कि आई एम 21 years old आई हैव बीन गेटिंग पीरियड्स फॉर 11 years नाउ ऑलमोस्ट एंड दिस स्टिल हैपेंस सो इफ दिस हैपेंस विद यू इट्स नॉर्मल काफी बार पैड हट जाता है रात को करवटे ले लेता है एंड सारा लीक हो जाता है मॉम एंड आई हैव कम अप विद अ जुगाड़ एक बहुत मोटा सा नैपकिन रख रहे हैं एंड इसके ऊपर एक पुराना टावल रख रहे हैं एक्चुअली ना टावल को खोल के हाँ ऐसे टावल को ना अंदर डाल देंगे बैठ के ताकि ये हिले ना बिकॉज मैं बहुत हिलती हूँ यार सोते वक्त आई के नॉट स्लीप इन द स्ट्रेट पोजिशन हमने ना टूथपेस्ट लगाई है पीरियड के दाग पे क्योंकि बेडशीट तो धोने में डाल दी ऐसा जो कवर है मेरे बेड पे वो भी धोने में डाल दिया बट जो बेड पे दाग लगा है उसका तो कुछ नहीं कर सकते तो टूथपेस्ट लगा दी है मम्मी ने कहा है कि ये हैक है आई होप मम्मी ने 5 मिनट क्राफ्ट्स पे ना देखा ये हैक बच्चे के लिए नहीं लगाते वो अपन प्लास्टिक की शीट ताकि अगर सुसु निकल जाए तो वो हो जाए ये तो मेरे पीरियड के लिए हो गया यार वैसा तो दैट्स दी अपडेट नाउ एट 10 AM आई एम अगेन गोना जस्ट लाई इन बेड एंड चिल नींद तो नहीं आ रही लेकिन कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा मैंने सोचा 1 घंटा योगा कर लूँ माय मॉम हैज दिस अमेजिंग 1 आवर पीरियड योगा सेशन दैट आई हैव बीन वेटिंग टू एग्जीक्यूट हर बार पीरियड में मेरा ये रोना रहता था नाउ आई फाइनली हैव लाइक एन एक्सपर्ट गिवन प्रॉपर थिंग दैट आई कैन डू इन पीरियड बट आई डोंट फील लाइक एक्सरसाइजिंग आल्सो राइट नाउ सो आई एम जस्ट गोना लाई इन बेड एंड वॉच मोर ऑफ फ्लाइंग बीस्ट एंड देन आई सी यू लेटर यूजुअली व्हेन आई एम ऑन पीरियड ना एंड क्वारंटाइन नहीं होता तो आई यूज टू रियली लाइक हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स बट दिस इज क्वारंटाइन लाइफ सो वी गोना अडैप्ट आज है तो थर्सडे बट माय पेरेंट्स आर क्लीनिंग द होल होम लाइक इट्स अ संडे ऑलमोस्ट लाइक इट्स दिवाली तो इट्स क्वाइट शॉकिंग कि क्यों आज का दिन चुना गया है आई फील थोड़ा सा गिल्टी फॉर नॉट हेल्पिंग देम बट ब्रो पीरियड का पहला दिन है एंड मेरा फ्लो अब भी शुरू हुआ भी तो कैसे हुआ लाइक यू शुड हैव सीन कि कितना लीकेज हुआ था आई वॉज शॉक के इतना सारा एक पैड में आता है थोड़ा गिल्टी फील हुआ बट आई एम अलाउड टू गिव माई बॉडी रेस्ट हाँ बट पीरियड के टाइम पे पानी पीने को नहीं भूलने का दैट्स वन मिस्टेक दैट लॉट ऑफ पीपल मेक योर बॉडी इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू सो मच और डिहाइड्रेट हो जाएगा ना वाट लग जाएगी बॉडी की सच में बजे दोपहर के 2 एंड क्या पेन हो रहा है मुझे लोअर एब्डोमेन एरिया में इतना सारा पेन हो रहा है कि आई एम नॉट एबल टू मूव यार 6:48 PM हुआ है एंड आई एम स्टिल इन माई डार्क रूम आई थिंक यू कांट इवन सी माई फेस प्रॉपरली बट यू कैन सी लाइक यू कैन हेयर माई वॉइस की आई एम क्वाइट एनर्जेटिक सी द वाइब ऑफ माई रूम समस्त ब्लैंकेट ओढ़कर बैठे है ऋतु के साथ चिल कर रही हूँ मैं क्वारंटीन में पर्दे लगे हुए हैं विच इज वाय लाइक माई पर्दा इज फुल ऑन ब्लैक आउट आई डोंट नो इफ आई शुड इवन अपलोड दिस व्लॉग बिकॉज दिस इज लिटरली लाइक अ 24 hours स्टेइंग इन माई बेड चैलेंज आई एक्चुअली ट्राइड अ 3 rupees का सैनिटरी नैपकिन टुडे आई हैव बीन यूजिंग ट्रिपल एक्सएल डबल एक्सएल जो आई थिंक 20-25 rupees का एक सैनिटरी नैपकिन पड़ता है तो नाउ दैट आई नो कि इतना सस्ता नैपकिन मिलता है अब मेरी जान जलती है वो महंगा वाला यूज करने में बिकॉज इमेजिन वो एक पैर के बदले यहाँ पे मुझे 10 मिल सकते हैं तो आई एम प्लानिंग टू मेक लाइक अ फुल ऑन प्रॉपर वीडियो अबाउट इट आई ट्राई द चीपेस्ट वर्सेस द मोस्ट एक्सपेंसिव पैड इन इंडिया आई अपडेट यू नेक्स्ट व्हाट आई डू अभी तो मैं और रितु थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे बार आप मेरा चेहरा देख रहे होंगे बिकॉज लाइट चालू की है बट येलो लाइट है ना तो आई स्टिल फील काम इफ यू सी मोस्ट होटल्स तो उनमें काम लाइटिंग ऐसा एम्बियंट लाइटिंग वो लोग क्या इसको वार्म व्हाइट बुलाते हैं ब्रो इट्स येलो तो अब है टाइम डिनर का आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन पीरियड्स टू गिव योर बॉडी गुड फूड
अब डिनर में हम खाएंगे खिचड़ी। Did not do any work, just relaxing. And to be honest, I have never done this before because around me the situation has always been other women telling me ki oh hamare bhi to periods hai but we still working. Except my mom, no one ever told me that it was okay to not be productive on your period. I thought that my mom is just being overprotective of me, which is why she said that. But she is a yoga guru. I should listen to her and she knows the body much more than anyone else. So I am here to tell you it is okay to not be productive, and that's why I decided to actually make this vlog live. Even if you're not on your period, you can still have a day like this. Because your mind goes through a lot every day. If you enjoyed watching this video, give it a thumbs up. If you didn't enjoy watching this video, give it a thumbs down. We are all ekdam honest here. I'll see you very soon with I think a vlog, because I had the best day of my life a few weeks before quarantine and I vlogged it and I actually forgot to put it up. If you want that weekend vlog, Kumar and I have such a good day together, then let me know in the comment section down below and that'll be the video that I upload next. I'll see you soon. Until then, goodbye. Bye.